राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। जवानों के लिए ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा भाव की वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। कोरोना काल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब में स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चल रहा है। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर दिल्ली की तरह पंजाब में भी स्कूली शिक्षा को सुधारा जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने देश की स्वतंत्रता पर विवादित बयान दिया है। अय्यर ने कहा कि पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान डोटासरा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम कराने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। राजस्थान सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन से सभी कांग्रेसियों को ताकत मिलेगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन केस के बाद जनसभा को संबोधित भी किया। राजे ने कहा कि आप सबसे मिलना ही असली मकसद है। माना जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए सक्रिय हो गई है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के प्रवास पर है। पूनिया ने जयपुर उत्तर देहात एवं जयपुर दक्षिण देहात की चिंतन बैठकों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार को लगता है कि युवा कमजोर है, वे राज्य सरकार की गलतफहमी है, असली ताकत का एहसास अब उत्तर प्रदेश में करवाएंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। जयपुर के जयश्री पेरीवाल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के डे बोर्डिंग में पढ़ने वाले 11 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने 6ठी से 12वीं तक का स्कूल 1 हफ्ते तक के लिए बंद करा दिया है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अंचल के फतेहपुर में मंगलवार को भी पारा जमाव बिंदु की ओर लुढ़ककर 1.8 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद जनजीवन भी प्रभावित नजर आया।